नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21, 22, 23 सितंबर को क्लर्क भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए जहां नियम बड़े सख्त हैं, वहीं प्रशिक्षार्थियों की जांच पड़ताल बड़ी बारीकी से की जा रही है। महिलाओं के नाक में, कान में और हाथों में अगर कोई गहने पहन रखे हैं तो वो भी उतरवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में बेल्ट से लेकर के जूते तक नहीं ले जाए जा सकते, अगर उसमें किसी प्रकार की धातु की वस्तु लगी है। यहाँ तक कि बेल्ट भी उतरवाए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक भी वहाँ पर प्रयोग में लाई जा रही है। फेस डिटेक्टर मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। CCTV कैमरों के साथ साथ मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ ही आयोग ने नकली परीक्षार्थियों को रोकने के लिए पहली बार फेस रिक्रिएशन डिवाइस का प्रयोग करने जा रही है। इसमें परीक्षा देने वालों के चेहरे को एक डिवाइस के जरिए पहचाना जाएगा। आपका चेहरा आपके आधार कार्ड से मेल खाता हुआ होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर जहां पुलिस का रवैया भी सख्त है, वहीं जांच भी बारीकी से हो रही है। आपको बता दें कि अगले इन्हीं 3 दिनों में क्लर्क की परीक्षा में प्रदेश में 15.60 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ साथ ही दिव्यांग प्रशिक्षार्थी भी बैठने की व्यवस्था उन्हें प्रथम तल पर की गई है। ये सुविधा प्रत्येक केंद्र पर स्थापित की गई है और उन्हें 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इस बार जो शक्ति की गई है उसमें एक कड़ी और है कि एक बार जो प्रवेश कर गया परीक्षा केंद्र के अंदर, वह परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर निकल सकता है। और इन सभी परीक्षा केंद्रों पर जो निरीक्षक है उनको ये विशेष हिदायत दी गई है और उनके द्वारा प्रमाण पत्र भी लिए गए हैं कि उनके कोई सगे संबंधी या मित्र परीक्षा सेंटर पर या परीक्षा केंद्र पर कोई परीक्षा नहीं दे रहा है। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र की कुछ झलकियां। सिरसा के नेशनल कॉलेज की जिस तरह से इस बार जो एग्जाम के लिए जो जिस तरह से जो नोट्स बनाए गए हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं ताकि नकल रहित हो एग्जाम जो प्रबंध किए उसको? सर अपनी मैथ से ही पास हो नहीं, जिस तरह से अरेंजमेंट किए उसके बारे में क्या कहा? We'll be right back.
चेक कर रहे हैं, आई कार्ड चेक कर रहे हैं उनका, और जैसे ग्वालियर वगैरह है लड़कियों की वो निकलवा रहे हैं, लेडी कोड हमारे पास है, सिक्योरिटी वगैरह लगाई हुई है, सुपर सिक्योरिटी कई पुख्ता प्रबंध की हुई है, और कोई ऐसी बात नहीं। नोजपिन की प्रॉब्लम थी और सभी चेकिंग किया, बिल्कुल सिंपल सही होती है आराम से। मैम जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके क्या क्या की जांच की जा रही है? उनके पेन है, नोजपिन है, ईयरपिन है, गले का है, मोबाइल है, बैंगल्स वगैरह है, सारे चेक किए हैं। और इसके साथ साथ ये जो बायोमेट्रिक क्या नाम? शुभ नाम मैम? सुमन अगर। थैंक यू।